ब्रेकिंग न्यूज के साथ कर लेंगे। दिल्ली एनसीआर में इस वक्त पैनिक सा माहौल है, और वो इसलिए क्योंकि दिल्ली एनसीआर के बड़े स्कूलों में धमकी वाला ईमेल आया है, जिसके बाद बच्चों से लेकर अभिभावकों में डर और खौफ फैल गया है। स्कूलों में इस तरह बम की खबर मिलने के बाद पूरे पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। पुलिस एक्शन में दिखाई दे रही है। एहतियात के तौर पर दिल्ली नोएडा के दर्जनों स्कूलों को खाली करा दिया गया है। मौके पर पुलिस और बम स्क्वाड, डॉग स्क्वाड और फायर ब्रिगेड की टीमें भी पहुंची हैं और स्कूलों में तलाशी ली गई। पुलिस स्कूल स्टाफ की मदद से सभी बच्चों को उनके घर भेज दिया गया है। धमकल विभाग को अब तक 100 से ज्यादा स्कूलों से कॉल्स आ चुके हैं, और इधर गृह मंत्रालय भी पूरी तरीके से एक्शन मोड में है। गृह मंत्रालय लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए है। गृह मंत्रालय ने अभिभावकों से पैनिक नहीं करने की अपील की है, सभी से शांति बरतने की अपील की गई। इधर दिल्ली पुलिस साइबर सेल से पूरे मामले की जांच कर रही है। दिल्ली पुलिस जांच में इंटरपोल की मदद भी ले रही है। तो दिल्ली एनसीआर में पैनिक का माहौल है, और पैनिक के माहौल के बीच ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से डॉग स्क्वाड और बॉम्ब स्क्वाड पहुंचा। ये आप 8 तस्वीरें देखिए, डीपीएस की तस्वीर दिखा रहे हैं, संस्कृति स्कूल दिल्ली की तस्वीर, हाई प्रोफाइल स्कूल है ये तमाम सारे, और ये देखिए एलजी की तस्वीरें आप तस्वीरों में देख सकते हैं। दिल्ली के डीएवी स्कूल में एलजी की मौजूदगी है सक्सेना, और देख सकते हैं आप साफ तौर पर किस तरीके से वो हालात का जायजा ले रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो धमकी भरा ईमेल आया है, संभवतः ये जो कॉपी इनके हाथ में है उनको दिखाई जा रही है, उस धमकी भरे ईमेल की ही हार्ड कॉपी है। और आपको बताएं इस वक्त, क्योंकि ये जानना बेहद जरूरी है कि कहां से ये धमकी भरे ईमेल्स भेजे गए हैं, वीपीएन के जरिए धमकी भरे ईमेल्स जो जानकारी मिली है कि लगभग 100 स्कूलों को भेजे गए हैं, वीपीएन के जरिए आईपी एड्रेस ट्रेस करना मुश्किल होता है, और इसीलिए ये बड़ी चुनौती होगी पुलिस के लिए कि उन आईपी एड्रेस को वो ट्रेस कर पाए और ये जान पाए कि आखिर इन ईमेल्स को भेजने वाला आखिर है कौन। स्कूलों के पास बम वाली जो ईमेल आई है उसमें कई ऐसी बातें लिखी गई हैं जिसे पुलिस डिकोड करने की कोशिश कर रही है, लेकिन ईमेल में क्या लिखा है ये भी जानिए। ईमेल में ये लिखा है कि हमारे हाथ में जो लोहा है वो हमारे दिलों को गले लगाता है, इंशाअल्लाह हम उसे हवा के माध्यम से भेजेंगे और तुम्हारे शरीरों को तहस नहस कर देंगे, हम तुम्हें आग की लपटों में झोंक देंगे, तुम्हारा दम घुट जाएगा, अल्लाह ने इसके लिए हमारे भीतर आग पैदा की है, काफिरों इंशाअल्लाह उसे अपने आसपास देखो और हमेशा के लिए जल जाओ, अल्लाह की इजाजत से धुआं आसमान में उतरेगा, ये सब खत्म हो जाएगा। कि आपने सच में सोचा था कि आपके द्वारा किए गए सभी बुरे कामों का कोई जवाब नहीं होगा? सीधा आनंद तिवारी का रुख करेंगे। आनंद, नफरत भरी भाषा, जहर उगला जा रहा है इस ईमेल में। जी देखिए अंकिता, अगर आप ये सारे मेल के पैटर्न्स देखें तो एक ही पैटर्न्स पे सारे मेल किए गए हैं। जो दिल्ली पुलिस की अब तक की तफ्तीश है उसके मुताबिक, जिस तरह की हम अमूमन जो मेल करते हैं उसमें yahoo.com या gmail.com लगाते हैं, इस मेल को जो सीसी किया गया है करीबन 100 से ज्यादा स्कूल को, उसमें आखिरी में .com की जगह RU लिखा हुआ है, यानी कि रशिया, इससे सीधा संकेत जाता है कि ये ओरिजिनल इसका जो, अगर आप देखें ये मेल अगर बना है तो या तो रशिया से इसे बनाया गया है या भारत में बैठ के ही कुछ ऐसे साइबर अपराधी है जिन्होंने कि इसे भारत से ही सर्कुलेट किया है। इसीलिए इंटरपोल की इसमें अंकिता मदद ली जा रही है। इंटरपोल सीबीआई की एक नोडल एजेंसी है, कई देश उससे जुड़े हुए हैं, और इससे पहले भी दिल्ली पुलिस ने, सीबीआई ने इंटरपोल की मदद से इस तरह के साइबर अपराध से जुड़े जो मामले हैं उनको सुलझाने में कामयाबी हासिल की है। यही वजह है कि जिस तरह से न्यूज 18 ने प्रमुखता से खबर दिखाई थी सबसे पहले कि इंटरपोल की दिल्ली पुलिस मदद ले रही है, इंटरपोल को तमाम मेल का पैटर्न जो है वो भेजा जाएगा और इससे उनकी जो आईपी इवैक्यूएट भी कर रहे हैं और थॉरो चेकिंग चल रही है। बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड, DDT है, स्निफर डॉग्स है, फायर ब्रिगेड को भी स्टेशन किया हुआ है, तो किसी प्रकार का हम कोई चांस नहीं ले रहे हैं, पूरी तरह से उसको चेक करके और बच्चों की सेफ्टी को इंश्योर कर रहे हैं। दिल्ली के जैसे ईस्टर्न रेंज में ही करीब 15 स्कूल में आ चुकी थी, कुछ आपके यहाँ मेरे ख्याल 8 स्कूल इनके नॉर्थ वेस्ट में हैं, सेंट्रल में भी कुछ स्कूल्स हैं, मतलब पूरे दिल्ली में ही काफ़ी स्कूल्स हैं। तो मुझे लग रहा है हर डिस्ट्रिक्ट में ऑन एन एवरेज 5 to 10 स्कूल्स हैं, तो काफ़ी स्कूल्स में आ चुके हैं। इवन इफ इट इज़ ए हॉक्स कॉल वी कैन नॉट टेक चांसेस, तो हमें तो पूरी अपनी कार्रवाई करनी है, वो तो बाद में पता चलेगा कि क्या है, लेकिन जो भी कॉल आती है हम उसको सीरियस। जैसे ही इसकी खबर स्कूलों में आई है इमीडिएटली पुलिस को इन्फॉर्म किया गया है स्कूल अथॉरिटीज़ ने, और दिल्ली पुलिस बहुत ही जल्दी वहां पर पहुंची और सारा कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है एरिया, सर्च ऑपरेशंस चल रहे हैं, यहां पर डॉग स्क्वाड्स भी हैं, बॉम्ब डिस्पोजल यूनिट्स भी काम कर रही हैं,
हर तरीके से हम मुस्तैद हैं। मुझे भी 7:30 बजे इसकी इन्फॉर्मेशन मिल गई थी और इस वक्त मैंने पुलिस कमिश्नर साहब को ये कहा था कि आप पूरी फोर्स लगाकर इस पर ध्यान दें और कोई इंसिडेंट नहीं होनी चाहिए। तो लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, देखिए 8 जगहों की तस्वीरें हैं, डीपीएस संस्कृत स्कूल, मदर मैरी, डीपीएस स्प्रिंगडेल्स, पूसा रोड, साकेत, द्वारका की तस्वीरें, दिल्ली की तस्वीरें, इन तमाम हाई प्रोफाइल स्कूल्स में ईमेल के जरिए धमकी दी गई है और जो आईपी एड्रेस है उसे ट्रेस नहीं किया जा सकता, जैसा कि हमारे सहयोगी आनंद भी बता रहे थे। और वजह यह है कि वीपीएन का इस्तेमाल किया गया है, जिसका साफ तौर पर मतलब यह है कि भारत में बैठा कोई शख्स रशिया का भ्रम देकर भारत से ही ईमेल भेज सकता है। और यही वजह है कि जब पहले भी इस तरह के धमकी भरे ईमेल्स आए थे तो इन आईपी एड्रेसेस को ट्रेस नहीं किया जा पाया था।